टेंपल से भरा हुआ देश है। और यहाँ पे बहुत लोगों में मतलब मैक्सिमम लोगों में श्रद्धा एक बहुत बड़ा मायने रखता है। और हम देखते हैं कि बाकी के जितने देशों में जितने लोग टेंपल्स में या चर्चेस में कहीं भी जाते हैं उससे कई 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 गुना ज़्यादा यहाँ पर लोगों की मानता है मंदिरों में। लेकिन कभी कभी ये होता है कि जैसे तिरुपति मंदिर है या काफ़ी सा कुछ टेंपल्स ऐसे हैं जहाँ पे आप इजीली नहीं जा पाते, वहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है, पासेस लेने पड़ते हैं। मतलब पहले पहले जितना आसान था उतना आसान नहीं है, तो लोगों को डिफ़िकल्टी होती है। और स्पेशली कभी कभी होता है कि टाइम बाउंड अगर है, कुछ लोग NRIs है तो वो बाहर से आते हैं, कहीं से आते हैं, उनको एक दिन में दर्शन करके वापस निकल जाना होता है। तो ऐसे समय पे यू नीड समबडी, मतलब अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट है एंड थ्रू देम अगर करते हैं तो दर्शन भी जल्दी होते हैं, पूजा ठीक से होती है, जो भी आप करना चाहते हैं। जैसे नासिक में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड अच्छे पुजारी, मतलब फॉर द राइट थिंग, राइट पूजा के लिए राइट पुजारी। तो एक नया इंसान वहाँ जाके कहाँ ढूँढेगा? तो माई तीर्थ इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और मेरे ख्याल से इट्स वन ऑफ अ काइंड। मैंने तो एटलीस्ट सुने नहीं है दूसरे प्लेटफॉर्म के बारे में जो हेल्प करता है जो भक्त है उनको टेम्पल से और उनके जो इष्ट देव हैं वहाँ तक उनके टेम्पल्स में पहुँचने के लिए हेल्प करता है। तो इट्स अ वेरी नोबल एफर्ट। जैसे कभी कभी ट्रैवल की जो दिक्कतें आती है, ट्रैवल कैसे करना है या कौन करे, तो राइट फ्रॉम ट्रैवल टिल मतलब एकोमोडेशन होता है आपका, फिर वहाँ जाके पूजा होती है, ये सभी तीर्थ इंडिया ये जो प्लेटफॉर्म है इस पे करते हैं। और अगर आप ऐसा भी होता है कि कभी कभी यू नो आप जा नहीं पाते लेकिन आपको वो पूजा उस जगह पे करवानी होती है, तो ऐसे में तीर्थ इंडिया वहाँ पूजा वगैरह करके आपको एक डिसेंट प्रसाद घर पे भेज देते हैं। और ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है क्योंकि पैंडमिक के वक्त बहुत लोग दे वर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। एंड एक होता है कि मंदिर सारे बंद थे तो होता है कैसे रीच करें, हम टेंपल्स में कैसे रीच करें, किस तरह से पूजा करें, किसी ने मन्नत बोली हुई होती है। तो ऐसे में मेरे बहुत सारे जाने पहचाने लोगों को मैंने डायरेक्ट किया कि इनको उनसे बात करें, एंड देन व्हेन दे डिड इट तो दे गॉट वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स। ये भी चाहूँगा कि जितने भी तीर्थ स्थल हैं आप सब जगह गई होंगे, ऐसा कोई ऐसा स्थल है जहाँ पे बहुत सुकून मिलता है आपको, एक भक्ति भावना अलग हटके लगा है कि इस स्थल पे बार बार जाने का मन करता है आपको? देखिए डिपेंड्स रियली कि आप कौन से देवता के साथ, आपका कनेक्शन कौन से देवता के साथ ज़्यादा है। जैसे मैं जब दक्षिणेश्वर जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि बाकी मंदिरों में ऐसा नहीं, लेकिन किसी किसी जगह के साथ आप कनेक्ट हो जाते हो। जैसे शिरडी है तो लॉट ऑफ पीपल विल अग्री कि शिरडी जाते ही सुकून मिलता है, बहुत शांति मिल जाती है। ये भी जान चाहूँगा कि लॉकडाउन के दौरान बहुत जो भक्ति भावना से दीप रहते हैं जिनको मंदिर रोज जाना होता है, पूजा करना होता है, बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा उनके लिए। आपके घर में तो मंदिर है ही, मतलब मैंने खुद देखा है, तो क्या कहना चाहेंगे उस दौरान, एक साल डेढ़ साल के दौरान किस तरह का था माहौल, मतलब आप क्या कहना चाहेंगे, कितना चुनौतीपूर्ण था वो? मैं क्या बताऊँ, पूरी दुनिया जानती है, ये कोई खाली हिंदुस्तान के लिए लिमिटेड नहीं था। इट वॉज रियली रियली ट्रामेटिक फॉर द होल वर्ल्ड। एंड थैंकफुली मुझे खुशी है कि एंड होपफुली कि अभी हम उसमें से बाहर निकलेंगे। Thank you.